तो श्रीमान हम शुरू करने जा रहे हैं क्या प्रकाश का बहुत विज्ञान का पहला वाला चैप्टर। इसका नाम क्या है? प्रकाश का। इसको अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये बोर्ड की तैयारी करने के लिए मेन मेन क्वेश्चन को टेकअप करा जाएगा, बाकी कुंदड़े में कोपचे में कहा जाएगा बाकी। देखो पहली टॉपिक बेटा होगी हमारी प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक हमारा है, सुनो ध्यान से, पहला टॉपिक क्या? प्रकाश का परावर्तन ही है। तो बेटा सवाल लोग आपसे करेंगे परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। पहला नंबर सवाल आपका ये आएगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे मतलब कि हम दीवार पे बाल को फेंकते हैं ना, तो बाल क्या होती है? वापस आती है। इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। अब वो चाहे बाल वापस आए चाहे प्रकाश वापस आए, तो कहेंगे हालांकि प्रकाश वापस तभी आएगी जब किसी चिकने तल पर गिरेगी। तो बेटा पूरा कहने का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर क्या होता है? वापस लौट आता है। और प्रकाश के वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का मैंने क्या बोला जब प्रकाश किसी चिकने या तो उसका अधिकांश भाग लौटकर इस घटना को प्रकाश का इतना ही है। परावर्तन क्लियर? परावर्तन क्या हो गया हमारा? क्लियर। अब देखो कुछ कहानियां हैं तो मतलब कि बेढंगी सी बिना रुचि वाली। जैसे मान लो एक बात और ध्यान देना कि तब टकराएगा पालिशदार तल से। पालिशदार माने क्या? ऐसा तल जिसका ऊपर का भाग चिकना हो और नीचे पेंट किया गया हो। बेटा नीचे क्या किया गया हो? ताकि प्रकाश को जाने का मार्ग ना मिले, ताकि प्रकाश बाहर पर ना जाने पाए। बेटा जानते हो ये ऐसा बेटा चीज है कि प्रकाश या चीजें आर पार दिखाई नहीं देंगी। पीछे कलई किया गया है और कलई होता है लेड ऑक्साइड का। किसका होता है बेटा? लेड ऑक्साइड का। PbO। तो आप ध्यान देना नीचे कलई किया गया है, प्रकाश आएगा तो पार नहीं जा पाएगा, तो पार नहीं जा पाएगा। यह जेल लग गया है। क्या लग गया बेटा यहाँ पे? जेल लग गया है। और जेल ऐसा है कि जो प्रकाश को रोक लेगा, जो प्रकाश को रोक लेगा। तो देखो अब जब हे पड़े मान लो कोनों का मन किया जलाने का टारच को, तो टार जलाएगा, टार जलाएगा तो रे आएगी। क्या बेटा आएगी यहाँ पे? रे आएगी। और देखो भैया आने वाली रे को हम बोलेंगे या आने वाली किरण को आपतित। आपतित माने आके गिर, आके गिर। तो भैया क्या हो रहा है? गिर रहा है। इसका नाम हमने दे दिया आपतित। आधा आ है पतित है, माने बेटा गिरना होता है ना जी, संस्कृत में पढ़े हो ना जी। तो आपतित माने क्या होता है? आपके गिर वाली किरण है। और जो किरण आपके सतह पर गिरती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जानते हो गिरेगी तो बेचारे को रहा नहीं जाएगा, रहा जाएगा ऐसे आर पार जाना चाहेगा लेकिन यही लगा हुआ बाउंड्री, जाने देगा इनको नहीं ना, वो रोक लेगा। वो क्या करेगा? रोक लेगा। वो बेचारा अपना मुंह घुमा घुमा के हे पड़े फिर से भाग जाएगा, कौन और जाना पड़ेगा ना। तो है कि हम तो आ रहे हैं चीर के चले जाएंगे शाम में आज मुंह उड़ा उड़ा करके अपना, लेकिन जब यहाँ आए ना तो लगा हो ये तो पेंट मार दिया है मनैया। मनैया क्या मार दिया है? अब हम जा नहीं पाएंगे, तुम अपना गिरा उड़ा के हे पड़े घूम जाएगा। इसी को परावर्तन कहते हैं। लेकिन जानते हो अरे तो मुंह फुड़ा के आने वाली किरण को क्या बोलेंगे बोलो? और मुंह गिरा के जाने वाली किरण को बोलो क्या बोलेंगे? ओहो कुछ लोग नहीं बोल रहे हो, लगता है खाक नहीं आ गया। शर्माओ नहीं, शर्माने दुनिया वैसे खत्म हो गई नारी। yes, शर्म करोगे तो भाई मजे लूटने वाले लूट लेंगे और क्यों तुम शर्माते रहोगे? तो दहाड़ो, जब तक दहाड़ोगे नहीं कोई जानने होने वाला यहाँ नहीं है। तो दहाड़ना इसीलिए है, टाप करना है। क्या करना है? टाप करना है। और देखो तो हमने बोला आग के गिरने वाली किरण को आप पतित किरण बोलते हैं, और टकरा के जो वापस जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? टकराने के बाद इनका नाम बदल गया। टकराने के बाद नाम क्या हो गया?
किरणवा वही है लेकिन घरे गोलू स्कूल पे योगेश है आई तो वही है हे बड़े आए। तो जब से हम घर पे स्कूल पे आ रहे हैं तो सब गोलू गोलू चिल्ला रहे हैं और जब स्कूल पे आए तो योगेश सर जी आ गए ना जी। तो भाई वाला आने वाला है, भाई वाला कौन सा है? जाने वाला। तो आने वाले किरण को आप अतीत और जाने वाले को क्या बोलेंगे? ठीक है। और जानते हो श्रीमान भाई किरणवा जौने बिंदुआ पे गिर रहा है ना उन्हों नाम रखवा देगा, उन्हों नाम क्या करेगा? आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हो गया भैया आपतन बिंदु। क्या हो गया बोलो? चलो कोई बात नहीं। और जानते हो कहते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा? हमने कई नाम कर लिया नहीं, देखो आपतित परावर्ती अभिलंब आपतन बिंदु और क्या हो गया लंब मान। जानते हो ना ये सब हवा में 90 डिग्री कोण बनाएंगे भाई, 90 डिग्री है समझ गया ना, इस सतह पे जो 90 डिग्री बिंदुआ से बना रहा है उसी का नाम अभिलंब है बेटा, उसी का नाम क्या है? बहुत टापा उपर तो रहे हो। अब जानते हो दो तीन नाम और बचाया भाई, परिवार बन गया ना एक तो हई आए हई बन गए आया हई बना, अभी दो तीन नाम बचा है। अभी एक बार जानना ये क्या होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में चाहता लेकिन कौन नाप लिया तो कोण बन गया। क्या बन गया? ओ इसको बोलेंगे देखो कुछ करना नहीं है ओ आपतन कोण, आपतन कोण इसका नाम बेटा क्या बन जाएगा बोलो? इसका हो गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है बोलो? उल्टा। और जानते हो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण बोलो क्या कहलाएगा? वाह बेटा वाह, लगता है कि दुनिया को जगा दोगे। तो हमने जो चीज और सीखा एक हो गया आपतन कोण और एक क्या हो गया हमारा परावर्तित। भैया जानते हो किताब वाला कहता है परावर्तन के दो नियम। क्या कहता है? परावर्तन के दो नियम। कौन कौन से? एक हम और एक तू, एक हम और एक। लेकिन अब हम तुमको ही लिखा जाएगा। अरे देखो पहला नियम कहता है आ जाओ तो पक्के में लिखा जाएगा। पहला नियम कहता है ना आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण की क्या होता है बेटा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के। एक बात याद है जितना एंगल पे सोनू आएंगे उतने एंगल पे मोनू जाएंगे और एंगल को हमेशा यहीं से नापना है। कहां से? अभिलंब से। कहां से नापना है? अगर मान लो भाई वाला एंगल दे दिया हो अरे आपतन पूछ ले तो कुल 90 है भाई घटा देना निकल जाएगा, घबराना नहीं। आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब से बनेगा। कहां से बनेगा? तो परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के। तो परावर्तन का दूसरा नियम तुम्हारे नाम करते हैं। ये कहता है देखो बड़ी ध्यान से कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहता है आपतित किरण समझ गया ना पहला मन ही है हो गया और आपतन बिंदु पर अभिलंब दूसरा मनई हो गया और परावर्तित किरण तीसरा मनई हो गया। तीनों भाई और हई और हई कब नहीं बोलोगे? बोलना मना है बोलना भाई देखो कभी नियम नहीं बोलना कभी नहीं भाई देखो हई हई और हई तीन मनई हई हई और हई क्या मनई? तीन मनई क्या मनई बोलो? तीनों ही खूंटा जमा बैठे हैं, तीनों ही खूंटा जमा क्या हुए हैं? नियम बना दिए कि सोनू मोनू और टोनू एक के तल पे होंगे एक के बिंदु पर होंगे। सोनू मोनू और टोनू एक के तल पे एक के बिंदु पे होंगे। समझिए कहानी खत्म। कहानी क्या हो गई? और कोई प्रिय हो उसका भी नाम रख लो श्रीमान। कोई है क्या?
ओनु सोनू लोनू और फोनू कोई है तो बता दो नाम रख लिया यहीं पे नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला है सोनुआ मोनुआ और टोनुआ इक्के तल पे इक्के बिंदु पर रहते हैं, परावर्तन का दूसरा कारण है, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। देखा एक कहानी है, ये देखो सोनुआ मोनुआ के बीच में एंगल होगा और मोनुआ टोनुआ के बीच में एंगल होगा, क्या होता है बोलो परावर्तन। जितना भी आप बता रहे हैं हाई पर उनने यो पसारेगा उनने वो पसारेगा बराबर हो गया कहानी खत्म, परावर्तन का नियम क्या हो गया समझ में आ गया ना जी। परावर्तन किसे कहते हैं मालूम हो गया, परावर्तन का नियम मालूम हो गया। एक लाख कर